फ्रेंचाइजी अंडर 1 लाख। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे फ्रेंचाइजी आइडियाज जो कि आप 1 लाख के अंदर में ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहला इसमें नाम आता है इंडिया पोस्ट। बिल्कुल, ये भारत सरकार का फ्रेंचाइजी है। जो भी पोस्ट ऑफिस आपने सुना होगा उसी का ये फ्रेंचाइजी देती है सरकार, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस आपसे नहीं खुलवाती है, बल्कि आप एक उसके कुछ पार्ट्स को सेल करने के लिए आपको फ्रेंचाइजी दी जाती है, जिसका जो कॉस्टिंग है वो मात्र 5,000 रुपया है। सिर्फ 5,000 रुपये में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसमें करना क्या होता है आपको, तो बेसिकली कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार ऑफिस से हटा के उसको गांव गांव में पहुंचाने का चाहती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत जगह पर पोस्ट ऑफिस है ही नहीं। तो उसके लिए क्या है कि इंडियन पोस्ट का आप फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना एक छोटा सा सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। एंड वहां से आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वेरियस टाइप की चीजों को आपको सेल करना होता है। जैसे सबसे पहले इसमें हो गया आपका जो प्रीमियम भरा जाता है पोस्ट ऑफिस में, वो दूसरा हो गया प्रीमियम का कलेक्शन हो गया, तीसरा हो गया स्टाम्प से रिलेटेड बहुत टाइप की चीजें होती है वो आपको देने होते हैं, चौथा हो गया इसमें कुछ स्कीम होते हैं भारत सरकार के जहां पे लोग पैसे को विड्रॉल करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा इसमें मनी का ट्रांसफर भी होता है, अब के डेट में भी लोग करते हैं मनी ट्रांसफर पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो वो भी काम आपको अपने सेंटर के थ्रू आपको करना रहेगा। एंड स्टाम्प से रिलेटेड बहुत टाइप के स्टेशनरी वर्क्स होते हैं जिनको आपको सेल आउट करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको इंडियन पोस्ट में आपको करना होगा एज अ फ्रेंचाइजी के तौर पे। जो प्राइजिंग है वो मात्र 5,000 रुपया है। कहाँ पे आप कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। बेहतर वैसा जगह होगा जहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा नहीं है, क्योंकि अगर वैसा जगह जहाँ पे नहीं है सुविधा, यानी कि आपका काम ज़्यादा चलेगा। एंड इस अकॉर्डिंग जैसा कि वेबसाइट पर ऐसा दावा किया जाता है, पर मंथ आप कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये का आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा नंबर आइडिया इसमें आता है हमारा टाटा 1MG। टाटा 1MG ये है क्या? 1MG एक ऑनलाइन मेडिकल डिलीवरी की कंपनी है जो बेसिकली 3 टाइप की चीज़ों का वो काम करती है। जैसे पहला तो मेडिकल का डिलीवरी हो गया, दूसरा हो गया ऑनलाइन डॉक्टर का कंसल्टेशन, और तीसरा हो गया इसमें जांच। जो भी पैथोलॉजी का जांच होता है वो सारा काम 1MG वेबसाइट के थ्रू होता था, लेकिन इसको टाटा ने अक्वायर कर लिया और अभी के डेट में ये कंपनी बन चुकी है टाटा 1MG। तो टाटा का ब्रांड और 1MG का रोबस्ट बिजनेस का प्लान। इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको महज 10,000 रुपये का स्टार्टिंग पूंजी का रिक्वायरमेंट होगा। 10,000 में आप कौन सा काम आप करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिलीवरी का काम के लिए आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट मांगा गया है। अगर आप इसका शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपको उस तरीके के मेडिसिन रखने होंगे एंड आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है वो भी बढ़ेगी। जैसे उसमें इंटीरियर हो गया, स्टॉक का खर्चा हो गया, बाद बाकी चीज़ें। बात की जाए प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, तो टाटा 1MG की तरफ से काफ़ी अच्छी मार्जिन दी जाती है। बेसिकली इसमें 15 से 20% का आसपास का इसमें मार्जिन आपको मिलेगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि टाटा 1MG अपने ब्रांड के नाम से उन्होंने लाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा नंबर फ्रेंचाइजी आइडिया है DTDC। DTDC का डिलीवरी का फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए महज 50,000 रुपये का इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर आप इंटरप्राइज लेवल पे जाएंगे तो 1 लाख, एंड थोड़ा और बड़े लेवल पे आप जाएंगे मॉडल फ्रेंचाइजी जिसको उन्होंने बोला है, तो उसके लिए 1.5 लाख का रिक्वायरमेंट आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 50 लाख और 1 लाख वाले के बारे में। बेसिकली दोनों में काम एक ही करना होता है, एंड वो है आपको पैकेट का डिलीवरी करना। इसके लिए आपको स्टाफ रखने होंगे एंड गाड़ी आपको खुद से इंतजाम करना होगा। रही बात इस इन्वेस्टमेंट में इनकम कितना होगा, तो इनकम बहुत ही अच्छा देती है कंपनी, क्योंकि अभी के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुरियर से रिलेटेड सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है DTDC। एंड इसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो लगभग 25 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन इसमें रहता है, यानी कि 1 महीने में आप लगभग 40 से 50,000 रुपये का आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लेकिन इसलिए कहूँगा, ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको डिलीवरी का ऑर्डर आएगा एंड जितना ज़्यादा आपको डिलीवरी करने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। अब ये नहीं कि आपने ले लिया और बोलने लग गए कि मेरे को तो उतना कम हो रहा है, वो टोटल डिपेंड करता है। इसीलिए आपको अपने लोकेशन पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान देना चाहिए इस टाइप के बिजनेसेस को सेलेक्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट जो फ्रेंचाइज बिजनेस आइडियाज है वो है हमारा अमूल का मिल्क पार्लर। बिल्कुल,
हमारे देश में दूध से रिलेटेड बने हुए आइटम का डिमांड कभी भी कम नहीं होता है, वो चाहे दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया या इससे रिलेटेड और भी वेरियस आइटम्स हो गए, इसका पर डे का खपत बहुत ही ज़्यादा है। एंड अमूल भारत की सबसे बड़ी ब्रांड है मिल्क प्रोडक्ट के फील्ड में। अगर आप इसका फ्रेंचाइज लेने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको इनिशियल जो एरिया का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो लगभग आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट का एरिया का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको 3 लाख रुपया पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो अपने फ्रेंचाइजी लेती है वो सिर्फ 25,000 ही लेती है, तो जो मैंने वीडियो बनाया है उसके कैटेगरी में ये फॉल करता है। बात बाकी आपके दुकान को सेटअप करने में, इक्विपमेंट्स को परचेज करने में एंड आपको ट्रेनिंग वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह करने में वो खर्चे करती है, लेकिन जो कंपनी का फ्रेंचाइजी फी है वो महज 25,000 ही है। इस इन्वेस्टमेंट पे अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की तो आपको पर दूध के पैकेट में 2.25% का प्रॉफिट का मार्जिन आपको मिलता है। एंड बाद बाकी चीज़ों में भी आपको अलग अलग तरीके का मार्जिन इन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप आइसक्रीम पार्लर का ओपन कर लेते हैं साथ में तो वहाँ पे आपको 50% तक का मार्जिन है, बिल्कुल फ्लेवर्ड आइसक्रीम में वहाँ पे 50% तक आपको मार्जिन मिलता है। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप कौन सा ओपन करने जा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो ये लोकेशन आपको देखना चाहिए जहाँ पर रेसिडेंशियल इलाका हो या जहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, वहाँ पर ये काम बहुत ही धड़ल्ले से और बेस्ट तरीके से चलता है। कि बात की जाए कि एक महीने में कितना आपका प्रॉफिट आएगा, तो जैसा कंपनी का है कि अगर आपका सेल ठीक ठाक हो गया तो आप महीने में कम से कम 25,000 से लेके 40,000 रुपए के बीच में अर्न कर सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका पर मंथ का ऑर्डर कितना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना 4 फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडियाज के बारे में। एक क्विक रिकैप मैं आपको कर देता हूं। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया इंडिया पोस्ट, दूसरा हो गया टाटा 1MG, तीसरा हो गया DTDC एंड चौथा हो गया अमूल मिल्क पार्लर का फ्रेंचाइजी। इन चारों ही बिजनेस से रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो बना दिया है अलग अलग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं या आप चाहें तो चैनल पे जाके वीडियो के सेक्शन में आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।